तो चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स लॉ की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तो पहली बात हमें समझना है टैक्स टैक्स इज नथिंग बट अ कम्पल्सरी पेमेंट दैट वी आर मेकिंग टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन तो वो आपको समझना है अब इट इज़ लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कोई भी गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी जो रूल कर रही है वो जो चार्जेस उसके सिटीजन से लेती है दैट इज कॉल्ड टैक्स अब यहाँ पे वेन वी आर लुकिंग इन टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है डायरेक्ट टैक्स एंड इन डायरेक्ट टैक्स अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाई दी एस एस जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है जब उससे डायरेक्टली वसूल किया जाता है तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं अब इनकम टैक्स कैपिटल गेंस टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स ये सारे एग्जांपल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी फ्रॉम द पर्सन हु बेयर्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे किया जाता ये एक इंटरमीडियरी द्वारा कलेक्ट किया जाता है फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास दिया जाता है तो उसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सर्विस टैक्स एक्साइज टैक्स वैट ये सारी चीज़ें क्योंकि वहाँ पर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उसमें एक टैक्स इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं एक सर्विस टैक्स गुड्स टैक्स जी एस टी टैक्स कुछ ना कुछ हम पे कर रहे हैं बट वो क्या हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं दैट टैक्स इज गोइंग टू दी सेलर जिससे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके पास वो जा रहा है एंड देन वो गवर्नमेंट के पास दे रहा है तो दैट इज एन इंटरमीडिएटली वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स लेकिन अब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली वी आर कमिंग टू इनकम टैक्स हम जो है इनडायरेक्ट uh, टैक्स की बात कर रहे हैं नहीं है तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज अपॉन द इनकम ऑफ अ पर्सन आपको याद रखना ये इनकम पे लगाया जाता है ना कि पर्सन पे इनकम पे लेकिन किसकी पर्सन की इनकम पर इट इज नॉट ऑन द पर्सन इट इज ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन वो आपको याद रखना है बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट है बट अगर आपका बेसिक जो फंडामेंटल आइडियोलॉजी क्लियर है तो आगे की चीजें अल्टीमेटली स्मूथ हो जाती है क्योंकि इन्हीं चीजों पर पूरा का पूरा जो टैक्स लॉ है सारे के सारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे प्रोविजन बेसिक्स पे बेस्ड होते हैं तो बेसिक्स हमको ध्यान से देखना होता है इट इज कंप्यूटेड ऑन एक्रूड और रिसीव्ड नेट टैक्सेबल इनकम बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू प्रस्क्राइब्ड रेट्स ऑफ इनकम टैक्स इन करेंट असेसमेंट ईयर इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले लास्ट लाइन का मतलब पहले हमको ईजिली समझ लेना है कि गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है ये उसके बाद हमें समझना है कि क्या है ये एक्चुअली ये पहली बात तो इनकम पर लगाया जाता है एक पर्सन की तो हमको समझना है कि क्या होता है इनकम क्या होता है पर्सन देन इट इज कंप्यूटेड ऑन एक्रूड और रिसीव्ड नेट टैक्सेबल इनकम तो एक्रूड मतलब दो तरीके से हो सकता है कि जो इनकम जिस इनकम पे आप टैक्स लगा रहे हो वो इनकम रिसीव हुई है कि नहीं हुई है तो रिसीव हुई हो या ना हुई हो दोनों पे लगेगा एक्रूव हो गई है तभी भी लगेगा तो एक्रूड इनकम पे भी टैक्स लग रहा है रिसीव्ड नेट टैक्सेबल इनकम पे भी लग रहा है कब ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर अब वो प्रीवियस ईयर क्या होगा दैट विल बी असेस्ड इन अ करंट असेसमेंट ईयर असेस करने के बाद किस रेट से टैक्स लगेगा वो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा करंट असेसमेंट ईयर में अब ये सारी चीजें सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रही हैं बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सारी चीजें क्लैरिफाई होती जाएंगी कि प्रीवियस ईयर क्या है पर्सन क्या है इनकम क्या है असेसमेंट ईयर क्या है रेट्स क्या है वो सारी चीजें हमें इसी वीडियो में आगे आपको क्लरिफाई करते हुए देखने को फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स अब देखना इट डायरेक्ट टैक्स बात हो गई बाय एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से द्वारा लगाया हुआ टैक्स इट इज कंप्यूटेड अपॉन नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्या है प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल ईयर वो भी हम डिटेल में समझेंगे सर्टन अमाउंट ऑफ इनकम इज एजेंटेड सारी सारी इनकम पे टैक्स नहीं लगता कुछ चीजों पर गवर्नमेंट ने छूट दे रखा है इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल इन करंट असेसमेंट ईयर अब वो करंट असेसमेंट ईयर में जो रेट्स एप्लीकेबल है वो कैसे पता चलेगा वो हमको पता चलता है फाइनेंस एक्ट से फाइनेंस एक्ट मतलब क्या बजट इट इज नथिंग बट बजट हर साल गवर्नमेंट जो है एक बजट प्रेजेंट करती है फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी को उस बजट पे हम, हमारा एक फाइनेंस बिल होता है बेसिकली उसको हम फाइनेंस एक्ट बोलते हैं तो उस फाइनेंस एक्ट जो भी रेट्स होंगे वो बताए जाते हैं कि इस साल ये टैक्स लगे इस साल के गवर्नमेंट ने क्या रेट्स बताए हैं कमेंट करके आप बताइए अगर आपको पता है तो दिस वीडियो एंड लेट अस नो हमने उस बारे में भी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि क्या क्या करंट ईयर के बजट से रिलेटेड अपडेट्स इट देन

उसके बाद लाइबिलिटी टू पे इनकम टैक्स किसको किसको लाइबिलिटी है एवरी इंडिविजुअल एंड एच यू एफ हु इनकम ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द एग्जेम्प्टेड लिमिट ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट अब एक एक्जशन की बेसिक लिमिट है उस लिमिट के ऊपर जो भी इंडिविजुअल या जो भी एच यू एफ जा रहा है उनको भरने की जरूरत है शैल बी लाइबल टू पे इनकम टैक्स बिसाइड्स दिस इसके अलावा फॉर्म कंपनी ऑफ कॉपेटिव सोसाइटी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेट्रा आर ऑल्सो लाइबल टू पे इनकम टैक्स इन सब को भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत है इनके लिए कोई एग्जम्पन लिमिट नहीं है अब खैर किसके लिए है किसके लिए नहीं है वो आपको बताना है कॉमेंट करके कि इनमें से किसके लिए है बट जब हम इंडिविजुअुअल और एच की बात करते हैं तो उनके लिए कुछ एग्जम्शन लिमिट है क्या एग्जम्शन लिमिट है ओल्ड रजीम में जाओगे तो अभी ढाई लाख है जीरो से ढाई लाख तक न्यू रजीम में ओल्ड लिमिट को बढ़ाकर जीरो से तीन लाख तक कर दिए तीन लाख तक आप एक्ज हो ओल्ड रेजीम अगर आप चूज कर रहे हो तो ढाई लाख तक तो आप जो भी चूज करो तीन लाख तक कहीं ना कहीं बेसिक एग्जम्शन लिमिट है बट बाकियों के लिए कोई एग्जम्पन लिमिट है खैर कुछ के लिए है कॉपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं है आप बताओ कॉमेंट सेक्शन में है तो कितनी है कॉमेंट करोगे बताओ नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इकम टैक्स क्या है वो इम्पोर्टेंट टर्म असेसमेंट ईर असमेंट ईय क्या होता है असमेंट इय इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फॉर फर्स्ट अप्रेल एंड ऑन थर्ट मार्च ऑफ एवरी ईयर सो फर्स्ट अप्रैल दो हजार तेईस में भी शुरू होगा जो वो अगले साल आ, एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौबीस में बारह महीने हो गए इसी को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर इस साल जितने भी लोगों को इनकम असेस की जाएगी वो होगा असेसमेंट ईयर बट अगर आप इस साल किसी की इनकम असेस कर रहे हो तो क्या वो इस साल की इनकम होगी नहीं क्योंकि ये साल तो अभी भी चल रहा है तो इसलिए इस साल सिर्फ वो एसेस हो रही है इसलिए हम इसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं बट एसेस कब की करते हो आप पिछले साल की तो पिछले साल को क्या बोला जाता है पिछले साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर तो जिस साल की इनकम मैसेज हो रही है उसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर और जिस साल में हो रही है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर तो दो हजार में आप जो फर्स्ट तो अप्रैल दो हजार तो शुरू हो गए दो मार्च दो इस पीरियड के बीच में अगर आप किसी की इनकम मैसेज कर रहे हो तो वो इस असेसमेंट ईयर में आएगा बट कब की करोगे इससे एक साल पहले जो फर्स्ट एप, आ, फर्स्ट अप्रैल 2022 से शुरू होगा और थर्स्ट थर्टी फर्स्ट मार्च दो को खत्म होगा तो इस दौरान की इनकम आप एसेस कर रहे हो तो ये वाला हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर और जब आप एसेस कर रहे हो उसको हम बोल देते हैं असेसमेंट ईयर बट ये असेसमेंट ईयर अलग होता है कुछ लोगों के लिए जैसे कि प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन अगर कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हो फॉर एक्जाम्पल अभी अगर आप फर्स्ट जनवरी 2023 को कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो क्या उसका प्रीवियस ईयर फर्स्ट अप्रैल से शुरू होगा नहीं फर्स्ट ईयर फर्स्ट अप्रैल को तो ये एंटिटी थी ही नहीं फर्स्ट अप्रैल को तो ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो जो चीज़ उस समय एग्जिस्टेंस में थी नहीं तो उसका प्रीवियस ईयर उस समय शुरू हो ही नहीं सकता तो उसका प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा जिस दिन वो सेटअप हुई अगर फर्स्ट जनवरी को सेटअप हुई तो फर्स्ट जनवरी से थर्टी मार्च तक छोटा सा तीन महीने का ही उसका प्रीवियस ईयर होगा तो वो सिंपल सा है कई बार ये भी ट्रिक करके पूछ लेते हैं बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एक्सेप्शन टू द रूल इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईर इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर तो कई बार कैसा होता है कि तुरंत तुरंत तुरं बोलते हैं नहीं हम वेट नहीं करेंगे असेमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का या तमाम छोड़ो अभी क्या बेट इनकम टैक्स भर दो तो कब इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग अब कोई जो है नॉन रेजिडेंट है अब रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है ये कैसे डिसाइड होते हैं उसका भी हमने डिटेल में देखा हुआ है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसी वीडियो में बट फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया का रेजिडेंट नहीं है कोई नॉन रेजिडेंट है अब इंडिया में आके शिपिंग करके पैसा कमा रहा है वो तो नॉन रेजिडेंट है यहाँ रहता ही नहीं है यहाँ का है ही नहीं वो तो देश छोड़ के चला जाएगा तो उससे तो तुरंत पैसा ले लो भाई प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर छोड़ो जब वो जा रहा है पैसा वसूल करो अगर आप टैक्स नहीं लोगे तो कब गवर्नमेंट कहाँ किसको ढूंढते बैठेगी तो इसलिए उनके लिए ये फॉलोइंग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का रूल नहीं लगता तुरंत तुरंत देना है देन और कौन है इनकम इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई परमानेंटली ही इंडिया छोड़कर जा रहा है तो उसके लिए थोड़ी वेट करेंगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आने का कि असेसमेंट ईयर आएगा तब हम देखेंगे और तब वसूल करेंगे तब फाइलिंग होगा ये वो नहीं भाई तुरंत पैसा दे दो तो क्योंकि तुम तो अब दोबारा आने ही नहीं वाले या तुम जा रहे हो बोलोगे मैं दस साल बाद आऊंगा तो दस साल तक गवर्नमेंट थोड़ी वेट करती रहेगी तुम्हारी राह देखती बैठेगी कि भाई आ जाओ मेरे करण अर्जुन कब आएंगे कब हमारा टैक्स भरेंगे भाई अभी पैसा चाहिए अभी तुम छोड़ के जा रहे हो क्लियरली तुम बता रहे हो कि परमानेंटली जा रहा हूँ या मैं पंद्रह बीस साल के लिए जा रहा हूँ पचास साल के लिए जा रहा हूँ तो भर के जाओ तो ऐसे केस में भी आप वेट नहीं करते हो देन उसके अलावा क्या है इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन अब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी मैंने फॉर्म किया है कोई जॉइंट वेंचर मैंने फॉर्म किया है दो ही महीने के लिए अब दो महीने खत्म हो गया तो भाई तुरंत पैसे भरो आप थोड़ी ना अगले साल का वेट करवाओगे आप गवर्नमेंट को तो उस केस में भी ये रूल काम नहीं करता है देन इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस अब कोई बिजनेस अगर बंद हो गया तो उसका तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सब खत्म हो गया क्लेरिफाई हो गई तो अगले साल का वेट क्यों करना है तुरंत तुरंत भर देना है तो ये चार पांच केसेस में जो है प्रीवियस ईयर और जो हमारा असेसमेंट ईयर वाला रूल नहीं लगता है अब ये सेक्शन क्या है सेक्शन भी आप आ, देख लेना यहां पे आ, या यहां पे तो मेंशन नहीं किया हुआ है आई थिंक बट ये सारी डेफिनेशन सेक्शन टू के अंदर आ जाती है कोई भी एक्ट का जो सेक्शन टू होता है वो डेफिनेशन सेक्शन होता है अब सेक्शन टू में ही आएगा अब कौन सा सब सेक्शन है वो देख लेना बट सेक्शन टू सबसेक्शन थर्टी वन जो है वो एक पर्सन को डिफाइन करता है अब हमने बात किया इनकम टैक्स लगेगा इनकम पे किसकी इनकम पे पर्सन की तो पर्सन कौन है वो भी तो जानना जरूरी है कब लगेगा असेसमेंट ईयर में कब की इनकम पे लगेगा प्रीवियस ईयर की बट किसकी वो पर्सन क्या है जब आप कानून बना रहे हो जब आप लॉ बना रहे हो जब आप स्टैच्यूट बना रहे हो जब आप एक्ट बना रहे हो तो आप चीज़ें छोड़ नहीं सकते पर्सन मतलब क्या मैं बोलूँगा मैं पर्सन हूँ ही नहीं कोई बोलेगा यह भी पर्सन है कोई बोलेगा मेरा पेट है यह भी पर्सन है तो कौन एग्जैक्टली exactly पर्सन है और कौन नहीं है तो वो चीजें भी लॉ को क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी तो पर्सन की डेफिनेशन हमको दी गई है बेसिकली एक दो तीन चार पांच छह सात एंटिटीज यहां पर इंक्लूडेड है सात लाइन है सात टाइप के पर्सन होते हैं बेसिक सी चीजें याद रखना है पहला क्या है एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल कौन हमारे तुम्हारे जैसा आम इंसान दैट इज इंडिविजुअल उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसको हम बोलते हैं एच यू एफ ये भी एक तरीके का पर्सन है फिर कंपनी कंपनी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो ऑफकोर्स कंपनी का पर्सन होनी है फिर फर्म फर्म क्या होता है बेसिकली दो लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किया वो भी एक तरीके का पर्सन है देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट चार लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बना दिया कुछ लोगों ने एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बना दिया अब चाहे उसको आप एओ बोलो पी बोलो इनकॉर्पोरेट हुई नहीं हुई बट चार लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो एक एंटिटी है एक बिजनेस है एक पर्सन बन गया कहीं पे भी चार लोगों ने मिलकर के कुछ भी एक एक्टिविटी शुरू किया पैसा कमाना शुरू किया और गवर्नमेंट बोले कि भाई तुम पर्सन इंडिविजुअलिज्म ये वो छोड़ दो तुम चार लोगों को मिलकर एक वेंचर है जो पैसा कमा रहे उसका इनकम टैक्स हमको चाहिए तो वो भी एक आ जाती है देन लोकल अथॉरिटी ऑफकोर्स लोकल मुंसिपैलिटी है ग्राम पंचायत है ऑफकोर्स वो भी एक पर्सन है देन एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रोसिडिंग सब क्लॉजेस तो इसके अलावा अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है जो इन कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहा है तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आ जाएगा उसके बाद आते हैं हम एस एस सी पे एस एस सी कौन है बेसिकली एस एस सी वो है जिसकी इनकम एस एस की जा रही है सिम्पल सा डेफिनेशन है सेक्शन टू सब सेक्शन सेवन हमने लिखा हुआ है हालाँकि सारे डेफिनेशन आपके सेक्शन टू में ही आ जाती हैं तो एस एस सी मीन्स अ पर्सन बाई होम इनकम टैक्स और एनी अदर सम मनी इज पेबल पेएबल अंडर द एक्ट जो जिसके इनकम टैक्स आप एसेस कर रहे हो वही तो टैक्स भरेगा तो जो टैक्स भरने वाला है उसी को हम बोल देते हैं एस एस सी सिंपल उसके बाद एस एस सी इीफॉल्ट अ पसन हैज़ टू फुलफिल द लीगल ऑब्लिगेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट टू पे इनकम टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स इफ ए पर्सन फेल्स टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ड्यू टू विच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट suffers a लॉस ऑफ revenue, देन इन सच केस टू कॉम्पनसेट द लॉस फॉर दिस ही इज कॉल्ड एस डिफॉल्ट अब किसी ने टैक्स नहीं भरा तो इनकम टैक्स बोलेगा तुमने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में अब तुम एस इन डिफॉट हो राइट right? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है कि एस इन डिफॉल्ट मतलब वो एस एस जिसने डिफॉल्ट कर दिया है। सिंपल इनकम अब इनकम क्या होता है इनकम इनकम का हमने ना एक लिस्ट बना के दी हुई है सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी फोर में स्पेसिफिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कुछ चीजें हैं अब दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये लिस्ट में सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है और भी चीजें एड की जा सकती है, अब क्या है प्रॉफिट्स एंड गेंस डिविडेंड वॉलंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट पर हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई एनी स्पेशल अलाउंस बेनिफिट सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस एनी बेनिफिट और परक्यूज कैपिटल गेंस इंश्योरेंस प्रॉफिट बैंकिंग इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विनिंग फ्रॉम लॉटरी अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी अब आजकल ना बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम खेल करके पैसा कमाते हैं तो वो जो पैसा कमाता था, था पहले वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी में आता था बट इस साल गवर्नमेंट ने उसको भी सेपरेट कर दिया उन्होंने बोला अर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड एक अपडेट है कि अब से अगर आप ऑनलाइन गेम खेल करके कोई पैसा कमा रहे हो बहुत सारे एप्लीकेशन है कुछ भी करके आप पैसा कमा रहे हो तो उसका भी अलग से टैक्स लगता है तो अब इस लिस्ट में वो भी कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी से उसको अलग कर दिया गया है तो वो एक चीज़ है राइट बट ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं इनकम में है। बट हमको क्या देखना है हमको सिर्फ इनकम नहीं देखना है इनकम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो उसमें से एक कंपोनेंट है ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है देखो ग्रॉस टोटल इनकम को हमने बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर हमने इनकम को पांच हेड्स में डिवाइड कर दिया है पांच पांच टॉपिक्स में पांच हेड्स में पांच अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है क्या है वो ग्रुप्स पहला है सैलरी दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीसरा है प्रॉफिट्स एंड गेंस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन चौथा है कैपिटल गेंस पांचवा है अगर इनमें से कहीं नहीं फिट हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये पांच सोर्सेज में आप डिवाइड कर लो कि आपने जो इनकम कमाई है पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो इनमें से किस में से है पारों शो को अलग अलग कर दो अलग अलग उनका टोटल करो टोटल करने के बाद आप बता दो कि सैलरी कितनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कितने हैं कैपिटल गेंस कितनी है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी है पाँचों को मिला के टोटल जो इनकम आपकी निकल करके आती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम क्या बोलते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम जी टी आई सेक्शन फोर्टीन सेक्शन नहीं भी याद होगा तो चलेगा बस याद रखना है ग्रॉस टोटल इनकम में क्या आता है क्या नहीं आता पाँचों हेड्स को मिला करके जो इनकम बनती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम अब इन पांचों हेड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं सैलरी क्या होता है सैलरी मतलब जो पैसा आप कमा रहे हो नौकरी करके सैलरी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी आपके पास घर है घर आपने किराए में दे दिया उससे तो जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके पास एक दुकान है दुकान किराए में दिया पैसा आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो है प्रॉपर्टी को रेंट में दे करके जो इनकम आ रहा है उसको बोलते हैं हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट अगर प्रॉपर्टी को बेच के कोई पैसा आ रहा है तो वो फिर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा वो आ जाएगा चौथे कैरे कैटेगरी में उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स कैपिटल गेन्स मतलब प्रॉपर्टी बेच के एसेट बेच करके गेन हुई आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा आपने एक घर खरीदा दस लाख में घर आपने बेच दिया पचास लाख में चालीस लाख का प्रॉफिट हो गया तो आप बोलोगे प्रॉफिट है नहीं प्रॉफिट नहीं है वो है गेन प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट होता है जब आप बिजनेस करके पैसा कमाते हो बिजनेस क्या है बिजनेस वो चीज़ है जो आप रूटीनली करते हो हर रोज करते हो तो अगर आप हर रोज कोई एक्टिविटी करके पैसा कमा रहे हो तो वो प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन होगा प्रोफेशन मतलब प्रोफेशनल्स करते हैं जो वो प्रोफेशन बिजनेस मतलब कोई भी कर सकता है तो जो बिजनेस करके हर रोज करके आप कमा रहे हो तो प्रॉफिट होगा बट अगर आपने घर क्या घर बेच हर रोज घर खरीदना बेचना आपका काम है क्या तो फिर वो प्रॉफिट्स एंड गेंस में आ जाएगा बट आपने एक बार घर खरीदा और बेच के बड़ा पैसा कमाया तो दैट इज़ योर कैपिटल गेंस ठीक है आप अगर इनमें से कहीं पर भी कुछ नहीं फिट हो रहा है तो फिर आपका आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सिंपल इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारा टोटल इनकम टोटल इनकम क्या होता है टोटल इनकम मतलब देखो गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शन दे रखे हैं अब वो वो क्या होते हैं गवर्नमेंट ने बोला इन चीज़ों पर चलो आपने खर्चा किया है तो आप इनकम में से कम कर देते हैं कि इतना आपने खर्चा कर दिया आपने इंश्योरेंस लिया है कोई बात नहीं इंश्योरेंस अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम दस लाख थी आपने दो लाख का इंश्योरेंस ले लिया तो चलो कोई नहीं दो लाख का खर्चा कर दिया तो नेट आपके हाथ में तो आठ लाख ही बच रहा है आपने बोला नहीं मैंने पढ़ाई पे खर्चा कर दिया है मैंने घर खरीदा घर घर तो खरीदना चाहिए गवर्नमेंट बोलती है घर खरीदना अच्छी बात है घर खरीदने के लिए लोन लिया उस पर इंटरेस्ट लग गया चलो कोई बात नहीं इंटरेस्ट एक खर्चा है उस पर भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है पढ़ाई पर खर्चा

आपकी टोटल इनकम में से क्या है टो कौन सी टोटल इनकम तो ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम क्या है जो आपने पांच हेड्स में टोटल करके बनाई है तो उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप डिडक्शन को माइनस कर देते हो तो जो इनकम आपके हाथ में बचती है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम भी इसी को बोलते हैं इसी इनकम पर टैक्स लगता है ये टोटल इनकम है ये फाइनल इनकम है अब कुछ नहीं होने वाला छेड़का नहीं आपने डिडक्शन विडक्शन माइनस कर दिया राइट सो टोटल इनकम मीन्स द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शंस अंडर सेक्शन एटी सी टू एटी यू फ्रॉम गेन्स फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इट इज ऑल्सो नोन एज नेट टैक्सेबल इनकम नेट टैक्सेबल इनकम इज राउंडेड ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज टेन अगर आपकी नेट जो टैक्सेबल इनकम है या जो टोटल इनकम है अगर आ जाती है वो आठ लाख रुपये आठ सौ दस या आठ सौ नौ तो उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट पे ले जाएंगे अगर आ जाती है 801 तो राउंड ऑफ करके 800 पे ले जाएंगे वो 10 का जो राउंडिंग ऑफ जो है कर देते हैं ठीक है उसके बाद आ रहे हम एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम क्या है सिंपल है सेक्शन टेन सब सेक्शन वन पे सेक्शन टेन जो है बेसिकली एग्जाम्शन सेक्शन है सेक्शन टेन में अगर कोई इनकम का नाम आ गया तो समझ लो वो एक्ज है उसमें कोई टैक्स वैक्स लगता नहीं है इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगता तो सेक्शन टेन में जो सबसे पहली एग्जाम्पन है वो है एग्रीकल्चर इनकम क्यों तो याद रखना है हमेशा कि एग्रीकल्चर से कमाए हुए पैसों पैसे टैक्स नहीं लगता सो प्रोवाइड दैट द एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एस एस सी हाउ एव अ मेथड हैज हाउ एवर अ मेथड हैज बीन लेट डाउन टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर

कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैलकुलेट करने का देखो चार पांच स्टेप्स यहाँ पे ले डाउन कर दिए गए हैं यहाँ पे लिस्ट बना दी गई है बट कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है क्या पहली बात आप अपनी एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम सारी इनकम को टोटल करके कंप्यूट कर लो देन बेसिक एग्जम्पन लिमिट देख लो उसमें क्या है कितना टैक्स लगेगा वो भी आप कैलकुलेट कर लो उसके बाद उसमें सरचार्ज रिबेट देखना है आपको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इतना डिटेल में इसमें आपको घुसना नहीं है पहले हमको समझना है कि क्या रेट्स हैं इनकम टैक्स के क्या नहीं है सो इनकम फ्रॉम मैंने कुछ चीज़ों कुछ कुछ जगहों पे जो है टैक्सेबिलिटी नॉन एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल इनकम की है कि आप अगर आपके पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है या एग्रीकल्चरल इनकम है तो क्या टैक्स रेट लगेंगे तो कुछ स्पेशल रेट्स हैं कुछ चीज़ों के लिए तो अगर आप एक बेसिकली uh, ये बिज़नेस के लिए है कि अगर आप रबर की मैन्युफैक्चरिंग करके उससे पैसा कमा रहे हो तो वो अगर एग्रीकल्चरल इनकम में है तो क्या आएगा और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में है, आएगा तो क्या आएगा तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसकी टैक्सेबल 35 परसेंट है 65 परसेंट उसमें से एक्जट हो जाती है अगर आप रबर से पैसा कमा रहे हो रबर की मैनुफैक्चर से 65 परसेंट इनकम उसकी एक्जेंट है क्योंकि हम मान कर चलते हैं कि 65 परसेंट एग्रीकल्चर था 35 परसेंट बिजनेस था उसके अलावा कॉफ़ी से आप बिजनेस कमा रहे हो तो उसमें भी आपको क्लैरिफाई करना है कि आप कौन सी कैटेगरी की कॉफी बना रहे हो तो सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया तो उसमें जो है पचहत्तर एग्जेम्ट हो जाएगी 25 परसेंट पे टैक्स जाएगा सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन इंडिया तो फिर 60 परसेंट एग्जेम्ट है 40 परसेंट पे आपकी टैक्स लगेगी एंड इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ टी इन इंडिया तो 60 परसेंट एग्जेम्ट है 40 परसेंट पे टैक्स लगेगा आपको याद रखना है रबर पे थर्टी कॉफी में सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया तो पच्चीस एंड अगर वो रोस्टेड एंड ग्राउंडेड भी है तो फोर्टी ठीक है दैट इज हाउ इट गोस नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बात किया कि इनकम टैक्स लगता है रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया पे हम सिटीजन से नहीं लेते रेजिडेंट से लेते हैं सिटीजनशिप इज डिफरेंट रेजिडेंस रेजिडेंशियलशिप इज डिफरेंट सो हाउ डू वी डिटरमाइन वेदर पर्टिकुलर पर्सन इज रेजिडेंशियल टू इंडिया और नॉट कैसे डिसाइड होता है तो उसके लिए हमारे पास है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स टोटल इनकम ऑफ एन एस एससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो हेज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दैट इज़ एन अर्न इज इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और एट बोथ द प्लेसेस विच इनकम इज असेबल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एस एस सी सिंपल कैसे डिमाइन होता है सेक्शन सिक्स ये भी आप याद रख सकते हो अगर याद होता है तो नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सेक्शन याद रखना लाइक इट्स इट्स नॉट लाइक कि आपको रटने की जरूरत है बट सेक्शन सिक्स सेक्शन वन क्या कहता है अब इसमें बहुत सारे सबसेक्शन है वो एक एक सेक्शन एक क्लॉज एक, डिटरमाइन एक करता है तो एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन दो कंडीशन दी गई है इसमें से एक भी कंडीशन अगर आप सेटिसफाई कर रहे हो तो आप रेजिडेंट इन इंडिया हो पहला कंडीशन क्या करता है क्या कहता है द candidate इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ वन एटी टू डेज़ और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईर एक साल में अगर मुझे देखना है आप रेजिडेंट हो नहीं तो देखना है कितने दिन आपने गुजारे भारत में अगर आपने जो डायलॉ है हमारा कुछ दिन तो गुजारिये गुजरात में तो वो डायलॉग हम चेंज कर देते हैं कुछ दिन तो गुजारिये इंडिया में अब इंडिया में कितने दिन आप गुजार रहे हो वन एटी टू डेज अगर वन एटी टू डेज आपने गुजार रही है तो आप भारत के रेजिडेंट हो चुके हो अब वन एटी टू डेज़ क्या होता है साल में कितने दिन होते हैं थ्री सिक्सटी फाइव थ्री सिक्सटी फाइव का आप हाफ कर लो वन एटी टू पॉइंट फाइव आएगा तो वन एटी टू पॉइंट फाइव मतलब छः महीने आप गुजार रहे हो अगर भारत में तो आप भारत के रहवासी हो सिंपल सी भाषा है सिंपल से लैंग्वेज है तो 182 डेज अगर आपने गुजार दिए 182 डेज या उससे ज़्यादा 183, 184 एटी आप कितने भी गुजारो वन मतलब रेजिडेंट आप इंडिया में हो चुके हो बट अगर आप वन डेज से कम गुजार रहे हो तो क्या तो एक और चीज़ है ही हैज़ बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट थ्री सिक्सटी फाइव डेज ड्यूरिंग द फोर ईयर्स इमीडिएटली प्रेसडिंग द प्रीवियस ईयर एंड एज एन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अब कोई है जो इस साल तो छः महीने नहीं गुजारे हैं इस साल बहुत कम गुजारे हैं इस साल वो तीन महीने ही गुजार के गया है लेकिन पिछले चार साल से वो इंडिया में ही था तो गवर्नमेंट बोल रही है इनकम टैक्स लॉ बोल रहा है कि एक और चीज़ देख लो अगर वन डेज से कम है तो देखो सिक्सटी डेज गुजारे कि नहीं दे गुजारे अगर सिक्सटी डेज भी नहीं गुजारे तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं बट अगर उसने सिक्सटी डेज गुजारे हैं तो चेक करो पिछले चार साल में क्या स्टेटस था चार साल में अगर वो 365 डेज रह चुका है तो यस तभी भी वो रेजिडेंट है अगर 182 डेज गुजार रही है तो चार साल पाँच साल छोड़ दो रेजिडेंट है मतलब है बट अगर 182 डेज से कम हो रहा है तो देखो 60 डेज हुए कि नहीं हुए अगर 60 डेज हुए हैं तो फिर एक और चीज चेक करो 365 डेज रहा है कि नहीं रहा पिछले कब चार सालों में अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं तो रेजिडेंट है राइट right? अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं कि ऊपर वाला रूल तो सबके लिए है बट जो नीचे वाला रूल है सिक्सटी डेज वाला उसके कुछ एक्सेप्शन है कुछ लोगों पर आप अप्लाई नहीं कर सकते किन लोगों पर एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप शैल बी कॉल्ड रेजिडेंट ओनली वेन ही सैटिस्फाइज द कंडीशन नंबर वन मैंशन अबाउ अब कोई शिप में काम करने जा रहा है भारत से तो ऑफ ऑफकोर्स इससे पहले तो वो यहीं पर था तो 365 डेज तो रहा ही होगा तो अब तो ऑटोमेटिकली वो रूल लग जाएगा इसलिए हम बोल रहे नहीं उसको छोड़ दो यार उससे मतलब सूलो ये रूल भी है कि कोई अगर शिप एज अ मेंबर ऑफ एज अ क्रू ऑफ एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप जा रहा है तो छोड़ दो ये याद रखना है क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप ठीक है फॉरन शिप वालों को हमने एग्जामेशन नहीं दिया है सिर्फ इंडियन शिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे नाउ दूसरा क्या बोल रहा है इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु बींग आउटसाइड इंडिया केम विजिट टू इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर द कंडीशन टू मैंउट इन केस शेल नॉट भी अप्लीकेबल अब अगर कोई भारत का ही एन आर आई रेजिडेंट है भाई जो यहीं इसका घर परिवार पर सब कुछ यहीं है पर बाहर काम करता है तो हो सकता है कि वो पिछले चार सालों में थ्री सिक्सटी फाइव डेज रह चुका हो तो उसको भी छोड़ दो तो यार वो तो घूमने आया है वो यहाँ का है ही नहीं अगर वन एटी टू रह गया तो कोई माफी नहीं है बट सिक्सटी डेज में हम उसको छोड़ सकते हैं ठीक है वो सिम्पल सर रूल है टाइप्स ऑफ रेजिडेंट कितने तरीके के होते हैं ठीक है एक तो हमने सिंपल सा समझ लिया रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट जो है वो रेजिडेंट जो नहीं है वो नॉन रेजिडेंट बट उसमें भी थोड़ी सी सब कैटेगरीज है तो इंडिविजुअल इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया पहला कैटेगरी है सेक्शन सिक्स सेक्शन ए क्लॉज ए ठीक है इंडिविजुअल टू बिकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया ही हैज टू सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन दो कंडीशन क्या पिछले दस सालों में से कोई दो साल एटलीस्ट कम से कम कोई तो भी दो साल जो है रेजिडेंट होना चाहिए ठीक है दस साल का डेटा देख रहे हैं पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन क्या बोलता है ही हैज़ बिन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट सेवन थर्टी डेज इन ऑल ड्यूरिंग द सेवन प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर्स प्रीवियस ईयर के पिछले सात प्रीवियस ईयर्स देखो उसमें से सात सौ तीस दिन रह चुका है क्या बंदा अगर रह चुका है तो देखो कि दस साल में से कोई दो साल रेजिडेंट रहा है कि नहीं अगर रहा है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं रहा है इनमें से कोई भी अगर कंडीशन पहली हो रही है दूसरी नहीं हो रही है दोनों ही नहीं हो रही हैं तो फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी है कि नहीं तो ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए बट अगर ये दोनों नहीं हो रही हैं तो फिर वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा ठीक है और इनके अलावा तो दूसरी कैटेगरी है नॉन रेजिडेंट की सिंपल सी है रेजिडेंट है तो उसके अंदर दो सब कैटेगरीज एंड नॉन रेजिडेंट की कोई कैटेगरी नहीं नॉन रेजिडेंट मतलब नॉन रेजिडेंट अब एच यू एफ पे क्या डिपेंड करता है एच यू एफ का रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करेगा उसके हेड ऑफ़ द फैमिली पे हेड ऑफ़ द फैमिली को क्या बोलते हैं हम करता सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया और वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है हम मान के चलते हैं करता के ही हाथ में सारी पावर्स है तो अगर करता का रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में है इंडिया में बैठ के वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है ऑफकोर्स एच यू एफ का स्टेटस भी रेजिडेंट माना जाएगा रेजिडेंट हिंदू फैमिली इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब डिसाइड होगा रेजिडेंट एच एफ इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ द करता और द मैनेजर ऑफ द फैमिली द फॉलोइंग टू कंडीशन कौन से दो कंडीशन वही वाले ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन आउट ऑफ इन टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस ईयर प्रेसिडिंग टू दिलेवन प्रीवियस ईयर दैट इज ही फुलफिल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस टू बिकम वॉट रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट टू ईयर्स और ही हैज़ बिन इंडिया फॉर एटलीस्ट सेवन थर्टी डेज इनऑल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो जो हमारे ऑर्डिनरी रेजिडेंट की नॉर्मल सिचुएशन थी वही यहाँ पर सारी चीज़ें करता पर डिपेंडेंट हो जाती है अगर करता रेजिडेंट है ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो एच यू एफ resident ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी क्योंकि हम मान के चलते हैं कि कंट्रोल जो है करता के यहाँ हाथ से मतलब करता के अलावा अगर कोई और मैनेजर है करता ने वॉल्ट्री एग्रीमेंट साइन करके दिया आपने देखो भाई मेरे बस में नहीं है बिजनेस चलाना मेरा बेटा है करता तो मैं ही हूँ फैमिली का बट बिजनेस सबकी समझ मुझे नहीं है मेरा बेटा है या मेरी बीवी है जो भी है फैमिली का कोई ना कोई चला रहा है या बाहर का भी कोई चला रहा है तो वो जो चला रहा है वो मैनेजर बन जाएगा तो फिर उस पर डिपेंड करेगा बट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द केसेस करता पे ही सारी चीज़ें आती हैं करता धरता वही है हमारा जो भी है ठीक है वो कहावत हमारी इसी इधर इधर वही कि इस इन सब चीज़ों का करता धरता कौन है करता मतलब वही जो कर रहा है तो जो फैमिली में जो चीज़ें कर रहा है उसी को हम करता बोलते हैं तो कर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द करता और द मैनेजर ऑफ ऑफ अ रेजिडेंट एच यू एफ डज नॉट सेटिसफाई द टू कंडीशन द फैमिली स्ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ठीक है अगर तो in करता नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट तो एच यू एफ भी नॉन ऑर्डनरी एंड वैन इट इज़ नॉन रेजिडेंट एच यू एफ इज़ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया करता वही एच यू एफ तो है बट एच यू एफ का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है जो करता है वो कहीं बाहर से चला रहा है ऑस्ट्रेलिया में बैठ कर बिजनेस चल रहा है तो फिर नॉन रेजिडेंट हो जाएगा ठीक है अब ऑस्ट्रेलिया वाले एच यू एफ से थोड़ी हम पैसा लेंगे इंडिया में टैक्स थोड़ी लेंगे राइट residential status of the firm and association of persons a partnership firm and an association of person are said to be resident in india if the control and management of their affairs are wholly or partly situated within india during the relevant previous year that is if even a part of their control and management is situated in india during the previous year they will be called resident in india if control and management of their affairs are situated wholly outside india और फार्म एंड एसोसिएशन पर्सन कैन नॉट बी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ये याद रखना है अब देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो इंडिया में नहीं है तो नॉन रेजिडेंट ठीक है बट वो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी कैटेगरी में नहीं आते या तो वो रेजिडेंट है या तो नॉन रेजिडेंट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टनर्स और मेबर्स ऑफ द फार्म एसोसिएशन इज नॉट रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ द फार्म और एसोसिएशन यहाँ पर हम सिर्फ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखते हैं पार्टनर्स या इंडिविजुअल्स के बारे में हम बात नहीं करते रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अंपनी से होता है? In in क्या होती है प्रीवियस ईयर कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ इट अफेयर इज सिचुएटेड होली इन इंडिया और ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डीनरी वाला केस यहां पर भी नहीं आता या तो रेजिडेंट है या तो रेजिडेंट नहीं है ठीक है अब इंडियन कंपनी कैसे डिटरमाइन होगी इंडियन कंपनी इज अ कंपनी फॉर्मड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और मे बी नाइनटीन जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म होगी दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन देयर स्टेटस रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी अदर पर्सन एवरी अदर पर्सन लोकल अथॉरिटी आर्टिफिश वॉट इज रेजिडेंट इन इंडिया मैनेजमेंट ऑफ इज affairs is wholly or partly situated within India during the relevant previous year. On the other hand, every other person is non-resident in India if control management of its affairs is wholly situated outside India. Simple control and management पे बात आ जाती है. अब हम बात करते हैं कि यार कौन सी income पे tax लगेगा, कौन सी income पे tax नहीं लगेगा. अगर आप resident in India हो, non-resident in India हो, और रेजिडेंट हो तो कौन से वाले हो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी तो इन सारे केसेस में कब टैक्स लगेगा कब टैक्स नहीं लगेगा अगर आप इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कोई इनकम आप इंडिया में रिसीव कर रहे हो या कोई इनकम आप बोल रहे हो कि मैं इंडिया में रिसीव नहीं कर रहा लेकिन हम बोलेंगे भाई तुम रिसीव कर रहे हो डीम टू बी रिसीव्ड इनकम टैक्स एक्ट उसको मान के चल रहा है कि तुमने इंडिया में ही रिसीव किया है तो उस केस में फ़र्क नहीं पड़ता आपका रेजिडेंशियल uh, स्टेटस क्या है इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा हर किसी को देना पड़ता है ठीक है तो ये पहली कैटेगरी दूसरी कैटेगरी इनकम अक्रूड और अराइज एंड डीम टू अक्रू और अराइज देखो पहले केस में क्या हमने बात किया इनकम आपको रिसीव हो चुकी है या हमने माना कि आपको रिसीव हो हो चुकी है बट आप बोल रहे हो बाहर रिसीव हुई लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया में ही रिसीव हुई है तो रिसीव हो चुकी है दूसरे केस में क्या हो रहा है इनकम सिर्फ अक्रू हुई है रिसीव नहीं हुई है तो चाहे वह आप एक्चुअली अक्रू हुई हो या डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया हो तो उस केस में भी आपसे टैक्स लिया जाएगा चाहे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता तीसरा क्या हाँ, कौन से इनकम की बात कर रहे हैं इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया अब पैसा आप बाहर कमा रहे हो कोई बिजनेस है जो भारत में सेटअप किया गया है इंडिया में सेटअप किया गया है कंट्रोल इंडिया से सेट किया जा रहा है उसको बट इनकम आपने बाहर रिसीव किया है तो उस केस में हम नॉन रेजिडेंट को छोड़ देते हैं कि भाई आपका बिजनेस भले इंडिया में है पर इनकम आप बाहर कमा रहे हो इंडिया का बिजनेस इंडिया में पैसा कमाएगा तो टैक्स लगेगा बट इंडिया का बिजनेस बाहर पैसा कमा रहा है और आप नॉन रेजिडेंट हो आप इंडिया के हो ही नहीं तो बोलो चलो ठीक है जहाँ के हो आप वहीं टैक्स भरो इंडिया में देने की जरूरत नहीं है बट अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो चाहे ऑर्डिनरी हो या नॉन ऑर्डिनरी हो फर्क नहीं पड़ता बट रेजिडेंट तो रेजिडेंट रेजिडेंट हो तो भले ही आप बाहर पैसा कमा रहे हो बट रेजिडेंट तो यहाँ के हो ना तो इस साल का टैक्स यहीं पर देना पड़ेगा दैट इज द कंडीशन ठीक है यही है बेसिक सी चीज़ें उसके अलावा एक इनकम आती है हमारी इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया अब बाहर ही आपने बिजनेस बनाया और बाहर ही आप पैसा कमा रहे हो इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है आप यहाँ से क्या चाइना वहाँ पर एक बिजनेस शुरू किया वहीं पैसा कमा रहे हो पर क्या आप रेजिडेंट थे उस साल इंडिया के अगर आप रेजिडेंट थे तब तो भाई को कोई और गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी नहीं आप देखो साल में होते हैं थ्री डेज अब तीन में से एक दिन आप इंडिया में गुजार रहे हो और आप बोल रहे हैं मैं रेजिडेंट नहीं हूँ हम नहीं मानेंगे हमने तो पहले ही बोला है कि वन एटी टू डेज़ अगर आपने इंडिया में गुजार लिया तो आप यहाँ के रेजिडेंट हो गए तो आपको यहीं टैक्स देना पड़ेगा आप पैसा कहीं भी को ऐसे भी कमाओ कैसे भी कमाओ टैक्स तो यहीं लगेगा बट अगर आप सिर्फ एक दिन रह के गए हो और आप बाहर चाइना में जा बिजनेस करके पैसा कमा लें तो चलो ठीक है कोई नहीं अब हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं भाई आप रेजिडेंट रेजिडेंट uh, तो हो भले ऑर्डिनरी हो नॉन ऑर्डिनरी हो बाद की बात है बट उनके इसमें पैसा इनकम टैक्स नहीं लगता है बट अगर इंडिया इंडियन रेजिडेंट हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो फिर लगता है कोई भी केस में चौथा है फ़ॉरन इनकम रिलेटिंग टू ईयर्स प्रोसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अब ये कौन सी इनकम है ये कोई तो भी पिछले आपने पिछले जन्म में पिछले सालों में कभी तो भी पैसा कमाया था अब पैसा वो मिल रहा आपको आज आप लेकर के आ रहे हो मतलब मिला नहीं है रिसीव नहीं है बट आप उस पहले कमाया हुआ पैसा आप ही के पास था आप ही के फॉरन बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था अब आप उसको इंडिया लेकर के आ रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है चलो कोई बात नहीं इस इनकम से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है तुमने कोई एफर्ट ही नहीं ला रहे तो पहले की मेहनत है पुरानी मेहनत पर हम पैसा नहीं लेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जेमटेड इनकम्स